बुलंदशहर के नरसेना थाना प्रभारी संदीप कुमार टीम के साथ लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी का एक कैंटर बिना नंबर अनूप शहर की तरफ जाएगा। पुलिस ने सूचना पर तुरंत कार्यवाही करते हुए नहर पुल पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक कंटेनर आते देखा तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो गाड़ी में बैठे बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया और एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पूछताछ पर बताया कि उनका फरार साथी ब्रिजेश निवासी दिल्ली, उसका मायापुरी दिल्ली में ट्रांसपोर्ट है, जहां से गाड़ी चोरी करके औरंगाबाद क्षेत्र में जीत सिंह के प्लाट पर कटाने का कार्य करते थे। गाड़ी को काट कर स्क्रैप भेज देती थी। इस दौरान बदमाश जीतू के प्लॉट से 5 टायर, 6 स्टेफनी, 3 गैस सिलेंडर, गैस कंटेनर एवं 29 कट्टे प्लास्टिक का दाना भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देखिए जिला संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। कब से चल रहा था ये? अभी 7-8 दिन से चालू करा था। कितने गाड़ी काट चुके हो तक? ये कटी थी, ये प्रधान जी ने मंगा ली थी। क्या नाम है? प्रधान। प्रधान जी कौन से गांव के प्रधान जी हैं? जिला के वर्तमान प्रधान है। क्षेत्र में एक गाड़ी काटकर बिक्री करने वाला गिरोह पकड़ा गया है, क्या इसकी पूरी डिटेल्स है? देखिए, नरसेना थाने की पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। एक बड़ा साथी गैंग है ये, जो दिल्ली आदि स्थानों से वाहनों की चोरी करता है। चोरी करने के बाद उसको ला करके एक 6 फीट ऊंची बाउंड्री वाल से घिरी हुई जमीन है, जहाँ पर गाड़ियों को खड़ी कर 2-4 घंटे के अंदर ही उसके पार्ट्स अलग करके गाड़ी काट करके फिर उसके पार्ट्स को दिल्ली में सप्लाई करने का काम ये कर रहे थे। यह सूचना प्राप्त हुई कि पिछले 10 दिनों से एक स्थान पर कुछ लोगों की गतिविधियां संदिग्ध हैं। उस आधार पर पुलिस ने गाड़ी को रोका तो इन लोगों ने फायर किया पुलिस पार्टी पे और ये गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से एक कैंटर गाड़ी जो चोरी की है, जिसको काटने के उद्देश्य से लाया गया था, जो पूरी चालू स्थिति में है, वो बरामद की गई है। एक कटी हुई गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स मिले हैं और इनके कुछ साथी फरार हैं, जिनकी तलाश और प्रयास जारी है। हथियार भी बरामद हुआ है सर? हाँ, इनके पास एक तमंचा और चाकू आज बरामद हुआ है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।